वंस अगेन हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्लास नाइन्थ मैथ का और एक थ्योरम करेंगे सर्कल चैप्टर का। तो यहाँ पर स्टेटमेंट हमें दिया है द परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड इफ यू ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो स्टेटमेंट में दिया है कि आपको एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर है ओ और एक कॉर्ड है जिसका नाम है ए बी। अगर मैं सेंटर से इस कॉर्ड की तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, इस कॉर्ड ए बी को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करेगा। तो मुझे यहाँ पर यह प्रूव करना है कि ए सी और बी सी दोनों इक्वल हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन होगा। तो मैंने ए ओ और बी ओ को जॉइन कर दिया है तो मुझे यहाँ पर दो ट्रायंगल मिले, एक है ट्रायंगल ओ सी ए और दूसरा है ट्रायंगल ओ सी बी। अगर ये दो ट्रायंगल को मैं कंपेयर करूँगा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा कि ओ ए ओ बी के बराबर होगा। रीजन में लिखूँगा रेडियस ऑफ द सर्कल और ये जो साइड है ओ सी ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है और उसके बाद ये एंगल 90 डिग्री गिवन में था और ये एंगल भी इसका 90 डिग्री हो जाएगा। तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ये जो ट्रायंगल ओ सी है ये मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल ओ सी बी के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो सी पी सी टी से मैं ये कह सकता हूँ सी ए इक्वल टू सी बी। तो ये ही मुझे प्रूव करना था और मैंने इसे बहुत ही इजीली इसे प्रूव कर दिया। ठीक है,